अगर सपना एवं मेहनत आपकी बहुत स्ट्रांग होना तो कामयाबी आपका कदम चूमेगा। मेहनत कीजिए, मेहनत सपना देखिए, सपना देखना मत छोड़िए। अगर ये छोटी सी लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। उसने भी सपना देखा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वही लड़के की, हमारे भारत की जो शेरनी है अभी, क्योंकि इंटरनेशनल में अगर हमारा एंथम बज उठे ना तो गर्व से हर एक इंडियन को, हर एक भारतीय नागरिक को गर्व होता है कि यस, हमारा नेशनल एंथम वहाँ पे भी बज रहा है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ, आज का जो टॉपिक है, उस लड़की के बारे में, भारत की शेरनी है वो, 2021 की शेरनी है वो, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मीराबाई चानू के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। उनके एज 26 का है, आज उनके जन्मदिन है, तो आज ये वीडियो उनके नाम का है, उनके नाम पे मैंने दिया है। आज उनकी लाइफ स्टोरी देखेंगे कि कैसे कैसे मेहनत किया, क्या क्या उन्होंने। सैखम मीराबाई चानू, हाँ, मीराबाई चानू का पूरा नाम है सैखम मीराबाई चानू। टोक्यो 2020 ओलंपिक पे उन्होंने सिल्वर हासिल किया, सिल्वर हासिल करके हमारे भारत का नाम रोशन किया। जोश एवं जज्बा अगर ऐसे हो तो मंजिल बहुत पास होता है। वेटलिफ्टिंग में उनको राजीव गांधी अवार्ड मिला एवं पद्मश्री अवार्ड मिला 2018 को। 2018 की जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम की, वो उनकी झोली पे है, उन्होंने जीता ये गोल्ड मेडल वेटलिफ्टिंग में। उनके शोल्डर में इंजरी था, बहुत ज़्यादा इंजरी था, फिर भी उन्होंने 84 kg का फर्स्ट अटैम्प्ट लिया उन्होंने, एवं सेकेंड अटैम्प्ट में 87 kg का था। मीराबाई चानू ये बताते हैं कि मणिपुर में हर एक घर में एक आपको स्पोर्ट्स पर्सन तो मिलेगा ही। इनको ये ट्रेनिंग लेने में, इनका ये जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इनका जो गांव है वो मणिपुर से 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सक्सेस इतना इजी नहीं है कि जैसा देखा जाए वैसा आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाए। मीराबाई चानू ये बताते हैं कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम है एवं वहाँ पर इंसर्जेंसी भी है। इन सब प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने जो ट्रेनिंग किया वो उनका डेडिकेशन है। वैसे उनका जो वेटलिफ्टिंग का जर्नी है वो घर से स्टार्ट हो गया। घर पे जब खाना बनाना या दूसरे कोई काम के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती थी, तब मीराबाई चानू को, छोटी सी मीराबाई चानू को ही भेजा जाता था। छोटी सी मीराबाई को घर के काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो जंगल में जाती एवं लकड़ी उठा के लाती थी, लकड़ी की जो पूरा गट्ठा है वो उठा के वो ले आती थी। तो उनका जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो घर से शुरू हो गया था। गांव के जो बाकी लोग हैं वो बोलते थे, तुम क्या कर रहे हो, इतने दूर जाके इतने भारी भारी काम कर रहे हो, इतने लकड़ी लेके आ रहे हो। पहाड़ में चढ़ जाती थी, जंगल में जाती थी लकड़ियाँ लाने के लिए, लेकिन ये उनका इनिशियल ट्रेनिंग था। शुरुआती पड़ाव जो था वो यहाँ से शुरू हुआ इनका। जब मीराबाई चानू छोटे थे तब उन्होंने और एक वेटलिफ्टर का डॉक्यूमेंट्री देखा, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उनका नाम था कुंजरानी देवी। उन्होंने उनकी माँ को बोला कि माँ, मुझे वेटलिफ्टर बनना है। माँ ने एवं परिवार के बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन आपको पता नहीं है उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है कितना ज़्यादा खतरनाक था। उनको 6:30 बजे ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता था। ट्रेनिंग सेंटर उनके घर से 22 किलोमीटर का दूरी है। सुबह 6:30 बजे से लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट होता था, दिन में 3 बार ट्रेनिंग होता था, फिर वो स्कूल करती थी। इतना सब कुछ उनको मैनेज करना पड़ता था, इतना सब कुछ वो मैनेज करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का था। ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया था उन्होंने, फिर जाके वो एक वेट लिफ्टर बनी। फिर उन्होंने बेटर ट्रेनिंग के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली हरियाणा पे बेस्ट वेट लिफ्टिंग का फैसिलिटीज है वहाँ पे। जब उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया तब कोचेस उनको देख के समझ गए थे कि उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, जो कि इंडिया को, अपने भारत को आगे जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया एवं उनका ये मेहनत आज हमारे इंडिया के लिए सिल्वर ले आई। वो भारत की शेरनी तो इसे ही कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक का पहले दिन ही उन्होंने सिल्वर ले आया भारत के लिए। मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से उनको 1 करोड़ रुपये मिले। मीराबाई चानू का ये मानना है कि 2024 में जब ओलंपिक फिर से होगा तब उनको गोल्ड लेके आना है इंडिया के लिए। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है उनको। उनका ये जज्बा कायम रहे, वो आगे बढ़े एवं इंडिया के नाम और ज़्यादा रोशन करे। इस वीडियो को आपको बहुत सारे शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो एक इंस्पायरेशन है, एक इंस्पायरेबल वीडियो है ये। अगर वो कर सकती है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते।
हमारे जैसे बहुत सारी महिला यही सोच रहे होंगे कि मेरी हाइट छोटी है, मैं एक छोटी सी गांव की हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा वैसा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो मैं इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये सब गलत है। अगर सपना आपकी स्ट्रांग है, मेहनत कर रहे हैं आप, तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी एक दिन। आप करके देखिए, आप आगे जाइए, ऐसा जुनून लाइए कि मुझे करना है ये, मैं करूंगी ये, तो जरूर आपके सब जो प्रॉब्लम है वो दूर हट जाएगा, आप सिर्फ मंजिल की तरफ ही जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आपको ये शेयर करना होगा, क्योंकि आपके जैसा मेरे जैसा घर पे बैठे हुए बहुत सारे महिला ये अगर YouTube देखे तो उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा इस वीडियो से।